वेलकम टू SSC जी दोस्तों, आज हम लोग रेलवे NTPC का 23 जुलाई का शिफ्ट 1 का करने वाले हैं। ओके, ये 7 फेज का है। चलिए देखते क्या क्या आया था। तो सबसे पहले पूछा था टीबी का डे पूछा था। ओके, ट्यूबर क्लासेस का डे पूछा था कि कौन सा दिन पे ये मनाया जाता है। ये 24 मार्च को मनाया जाता है। तो हो सकता है नेक्स्ट में आपको थीम पूछ सकता है। तो थीम क्या है? द क्लॉक इज टिकिंग। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्लड डे भी पूछा गया था, तो ये 14 जून को मनाया जाता है। इसका भी थीम पूछ सकता है, तो मैं लिख दिया हूं इसमें, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे दोस्तों, आरबीआई स्टैब्लिश कब हुआ था? ओके, तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, और अभी का करंट गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। ओके, हमारे प्लेलिस्ट में सारा NTPC से रिलेटेड हर एक चीज टॉपिक पढ़ाया हुआ, आप जाके वहां देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आपको पूछा गया था यूएस का प्रेसिडेंट, तो जो बिडेन है। ओके, इनका दो फेमस बुक है, उसको भी याद करके रखिएगा। और ये आपके 46th प्रेसिडेंट है। ओके, 46। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको हो सकता है नेक्स्ट बार कहीं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछ दे, तो ये कमला हैरिस है, और इनका है, और नेक्स्ट इनका याद रखिएगा, ये 49th है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मिशन इंद्रधनुष के बारे में पूछा गया था, ये एक हेल्थ मिशन है जो कि 2014 में आया था। नेक्स्ट, साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया था, ये कहां पे है? तो ये केरल में है। नेक्स्ट है आपका पुष्कर फेयर के बारे में पूछा गया था। ओके, तो ये आपका राजस्थान में है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में पूछा गया था, ये 3 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के गवर्नर के बारे में पूछा गया था, ये भगत सिंह कोश्यारी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि माउस को इन्वेंट कौन किए थे? ओके, तो ये थे डॉगलस इंगलबर्ट। ओके, याद रखिएगा, ये आ गया है, तो इन्वेंट से भी आपको याद रखना होगा बहुत सारा। नेक्स्ट है आपका नोबेल पीस प्राइस के बारे में पूछा गया था, ठीक है, सॉरी पीस नहीं, लिटरेचर से रिलेटेड। तो ये आपको 2020 में किनको मिला है? लुइस ग्लक को, याद रखिए, लुइस ग्लक। पूछा था फिर कि विच एसिड हेल्प्स इन ह्यूमन डाइजेशन, तो ये HCl हेल्प करता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको मोलुस्का के बारे में पूछा गया था कि कौन इसमें से नहीं है, तो आप याद रखिए कौन कौन है। ओके, ऑप्शन तो मैं नहीं जानता। ओके, ऑक्टोपस, फिर कटल, हाँ कटल फिश, ये भी याद रखिए, ये भी है, ये दो मैं लिख दिया हूं, ठीक है। इसमें पूछा था कि कौन नहीं है। नेक्स्ट, केदारनाथ टेम्पल पूछा गया था कि किस नदी के किनारे है, तो ये मंदाकिनी रिवर के किनारे है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पूछा गया था क्रोनोलॉजी के बारे में, मुगल एम्पायर का। ओके, एम्पायर का, तो देखिए यहाँ पे आपको क्रोनोलॉजी दिया हुआ है। ओके, आप इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक फुल फॉर्म पूछा था, तो ये बच्चे लोग में क्लियर नहीं था। ओके, तो इसके चलते मैं इसको ठीक से लिया नहीं, ठीक है, HITC के बारे में पूछा था। नेक्स्ट, सिस्टमा नेचुर बुक कौन लिखा था, ठीक है, तो याद रखिएगा, कार्लोस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, शॉर्ट की से क्वेश्चन पूछा था कि कंट्रोल ई से क्या होता है, तो ये क्या होता है? फोकस ऑन द एड्रेस होता है, ठीक है, ठीक है, और या सर्च बार बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए शीट टू में कुछ कुछ क्वेश्चन जो है उसको मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। सार्क फाउंडेशन डेट पूछा था, ये 8 दिसंबर 1985 में आया था। ओके, तो इसमें आप याद करके रखिए कि कौन कौन सा कंट्रीज में है, ठीक है। तो 8 कंट्री है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव्स एंड अफगानिस्तान। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पूछा था अमर जवान ज्योति का फाउंडेशन ईयर क्या है, तो ये कब बना था? ये 1971 में बना था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन था, जैसा कि बच्चों लोगों ने बताया कि दिया था ए का कुछ टाइम वर्क डे दिया था, जैसे 4 था, या बी का कुछ दिया था और ए प्लस बी का आपको निकालना था, ठीक है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन दिया था, इसमें क्या दिया था कि एलसीएम आपको दिया हुआ था और एचसीएफ भी दिया था, और एक नंबर दिया हुआ था 1 नंबर, आपको सेकंड नंबर खोजना था। ओके, तो आप जानते हैं फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू बी, एक नंबर है और एक नंबर आपको निकालना था, इजी है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आपको बजट से क्वेश्चन पूछा था कि टोटल कितना एक्सपेंडिचर है बजट का इस बार, तो वो कितना है? 3483236। ओके, तो इस बार आप याद रखिएगा कि पिछले बार के कंपेयर में अगर किया जाए, ओके, 2000 2021
20 से 2021 और इधर 21 से 22 के कंपेयर करेंगे तो 13% का हाइक हुआ था, ये याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सीएम रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें क्या हुआ था कि झारखंड के सीएम का रॉन्ग दिया गया था। उनका भूपेन मेरे ख्याल से दिया गया था, ठीक है, छत्तीसगढ़ वाले, तो ये रॉन्ग था। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें से क्वेश्चन पूछा था कि एपीजे अब्दुल कलाम का कौन सा बुक नहीं है, क्लियर है, तो इसमें आप देख लीजिए ये सब फेमस बुक है, ओके, और उसमें पूछा था कौन नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो कौन सा रूट, इसमें जो रूट है वो सबसे लंबा रूट कौन सा है, तो वो आपको याद रखना है कलकत्ता टू चेन्नई है, ठीक है, ये सबसे बड़ा है जो कि 1684 किलोमीटर का है, तो इसके बारे में आप पूरा डिटेल देख लीजिएगा। तो हमारा इतना ही था, ओके, जैसे जैसे हमको अपडेट मिलेगा हम आपको वैसे वैसे प्रोवाइड करते रहेंगे, तो अभी के लिए थैंक यू।